ये तो हमारा हैप्पी होम सोसाइटी का कंपाउंड हुआ है खजाना, वो भी आपले कंपाउंड में। को ना उस सोसाइटी में ना खुदाई की ना परमिशन दिलवा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं वो गोदने के लिए परमिशन नहीं दे सकता। शेर सिंह जी और पांडे जी वो दोनों तो मान जाएंगे, लेकिन राजलक्ष्मी जी और डॉली जी उनको कौन मनाएगा? ये झोंकरी ये क्या कर रही है? हम ऊपर जाने के लिए पेड़ पे चढ़ी हूँ। अरे बाबा सरोज, ऊपर जाने के लिए सोसाइटी में तो लिफ्ट है। सासू माँ, हेलो सासू माँ, प्रणाम। हाँ हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? कहा है ना कि हम थोड़ा बीमार थे, ई के पास से आपका फोन नहीं उठा पाए। हाँ हाँ, हमारी बिटिया कैसी है? अच्छी है ना सासू माँ? उना हमरा सर में जरा दर्द हो रहा है, हम आपको ना थोड़ी देर के बाद फोन करते हैं। हाँ प्रणाम, रखते हैं। दुनिया के सब लोग पगला गए हैं, अमीर बनने के वास्ते क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन हम, हमरा जो किस्मत है ना वो एकदम अलग है, एकदम एकदम स्पेशल वाला। अरे हम तो पैदा ही एक खातिर हुए हैं कि एक ही झटके में खजाना ले ले और अमीर बन जाए। हाँ रमेश जी, आपको ना बहुत बहुत थंकू है जो आप हमको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाई दिए। उसके कारण ही तो हम ये किताब जो है ये पढ़ पाए और खजाने का जो भेद है वो जान पाए। अब हमरे और खजाने के बीच में केवल उतना ही दूरी है जितना जितना हमरे और ये बुक के बीच में। हाँ। ये हमको क्या दिख रहा है? एक कौन सा जगह है? ये तो हमारा हैप्पी होम सोसाइटी का कंपाउंड हुआ है। हेरा बंसी वाले हमरे का लीला है, खजाना यहाँ है हमरे ही पास में और हमको पता नहीं। देवा रे देवो, खजाना वो भी आपले कंपाउंड में। सरोज मैडम, आपने तो मेरी आंखों का सपना छीन लिया। आपको मालूम है परसों से मैं खजाने के सपने देखती आ रही हूँ। सच चमेली, तुम भी खजाने का खातिर तीन चार रातों से सोई नहीं होगा। देवा रे देवा, आप तीन चार रातों की बात कर रही है, मैं तो बरसों से खजाने का सपना देख रही लिए आई हूँ। हमारे खजाने में तो एक से एक बढ़कर जेवर है। हाँ। और हमारे खजाने में एक किच तेवर है मंजे तेवर। और जो हमारे खजाना है ना उसमें तो हीरे ही हीरे हैं। हाँ। और मेरे खजाने में फक्त एकता मंजे एक किच हीरो है हीरो। चमेली, एक अकेला हीरो? तुम का वो हीरे की खान की बात कर रही हो का? नहीं सरोज मैडम, मैं तो सलमान खान की बात कर रही थी। मेरे लिए तो वही खजाने का हीरो है ना हीरो। मंत्री वाले, हम भी कहा भाई इसके आगे बीन बजाने चले। हाँ। अरे कोई हमारी बात को समझ का नहीं रहा है। अजी समझ गई, सब समझ गई सरोज भाभी, खजाने के बारे में ना सब समझ गई। पर आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अरे चिल्लाए नहीं तो और क्या करे। चमेली भाई, उसने तो हमारी बात का ना वो कहते
मजाक बना के रख दिया था। हाँ जी, मैं आपकी बात का मजाक बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अच्छा एक बात बताइए कि आपको खजाना कौन सी दिशा में दिख रहा है? पूरब। पश्चिम में क्यों नहीं दिख रहा? अब हमको क्या पता कि पश्चिम में कहे नहीं दिखा। अच्छा एक बात बताइए कि आपको खजाने में नौलखा हार दिखा? हाँ। उसमें कितने हीरे जड़े थे? अरे हमने गिने नहीं ना। क्यों नहीं गिने? ना ही गिने तो ना ही गिने, हमको गिनती ना ही आती है ना। हाँ क्यों नहीं आती? आप दस्तक नहीं पढ़े? पढ़े तो हम बहुत है। वो क्या कहते हैं, 1 2 3 नौवीं तक पढ़े हैं, पर दसवीं में फेल हो गए थे। हाँ अगर दसवीं में फेल हो गए थे तो फिर ग्यारहवीं में फेल क्यों नहीं हुए? जब दसवीं में ही फेल हो गए तो ग्यारहवीं कैसे पढ़ते ना? अरे वही तो पूछ रही हूँ कि ग्यारहवीं क्यों नहीं पढ़े? हम कहाँ फंस गए? यहाँ पर तो हम खजाने की बात करने आए थे और तुम हमारी पढ़ाई के पीछे पड़ गई हो। दैया रे दैया, पहले उच्च चमेली अब तुम। खजाना दिख रहा है? हाँ। खजाना मटके के अंदर दिख रहा है? हाँ। और मटके के ऊपर एक सांप दिख रहा है? सांप 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 सांप। वो सांप नहीं दिखा? दैया रे दैया, तुमसे ना बात ही करना बेकार है, बाहर तो हम जा रहे हैं। जलपा, पर अच्छा हुआ कि तुम आ गई। ये जो कुलबी है ना, इसने हमारा खोपड़िया ना इसे घुमा के रख दिया है। एक मिनट सरोज भाभी, आप खजाने को लेके परेशान हो ना, चैम से मुझे सब बता दिया। इका मतलब तुम हमारी मदद करोगी? हाँ हाँ चौकस वड़ी। आपको यही चाहिए ना कि सोसाइटी के मेंबर आपको कंपाउंड में खुदाई की परमिशन दे। हाँ हाँ जलपा, तुम ना हमको ना उस सोसाइटी में ना खुदाई की ना परमिशन दिलवा दो। एक बार हमको अगर परमिशन मिल गई ना तो खजाना हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ इल्ले माँ इल्ले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं वो डिगिंग खोदने को परमिशन दे दो? मैं तो कहती हूँ ऐसे इलॉजिकल वो बेमतलब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने राजलक्ष्मी। अभी देखो हमने सपना देखा था कि मुंबई कोलकाता एक हो गया और उसका एक नया नाम आ गया मुमकट्टा। तो क्या हम वो बात को, वो सपना को सच मान ले? हे कांजी, अभी ये डोली बेन और राजलक्ष्मी बेन दोनों को थोड़ी सदबुद्धि देना। क्या है राजलक्ष्मी बेन, लोली बेन, कि मेरे को भी एक ज्योतिष काका ने बोला है कि तुम्हारी हथेड़ी में बहुत बड़ा धन मिलने का सदयोग है। हे बालाजी, इस जागृति को थोड़ा सदबुद्धि देना। अरे जागृति, तुम आचार और पापड़ बेच के पैसा कमा रहे है ना? पर इसमें इतना पैसा किधर मिलता है राजलक्ष्मी बेन? उतने पैसे से तो मेरे घर की कीड़ियों का भी पेट नहीं भरता है। मेरे को तो इतना धन कमाना है कि मेरी पूरी 7 पीढ़ी तक चले। जागृति, अभी सरोज का सपना पूरा नहीं हुआ और तुम्हारा सपना शुरू हो गया। इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि सरोज के सपने के साथ मैं भी एक सपना देख डालूं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज हम लोग यहाँ बहुत ही वाहियात, व्यर्थ, फिजूल, नॉनसेंस बात को लेकर आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है पांडे जी, तो धंधा नहीं बात है। अरे यार जिग्नेश भाई, कैसी बात कर रहे हो? एक लड़की जिसके दिमाग का ठिकाना नहीं है वो कहती है कि सोसाइटी का कंपाउंड खोद दो। इसमें धंधा कहां से आ गया? मैं क्या बोलता हूँ, आप हर बार बार मेरे दिमाग की घंटियां क्यों बजाते हैं? टन 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 टन। जिग्नेश भाई, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन पे बात करता हूँ। ओ भाई तू फोन काट। अरे फोन रख, तू काटता है कि नहीं कि मैं काट दूँ? काट दिया। अभी सुनिए भाई, मैं क्या बोलता हूँ, अगर सरोज की बात सच निकली तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी वही बोलता हूँ कि कंपाउंड में से खजाना निकला तो नहीं 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 नहीं, मुझे खजाने में से इतना भी हिस्सा नहीं चाहिए। सरोज इतनी बुरी नहीं है कि सारा खजाना खुद हड़प कर जाएगी है? नफीसा बेन, अबे तुम तो कुछ बोलो है? क्या नाम, मैंने तो कल रात को ही पीर बाबा से बात की थी। उन्होंने कहा सरोज ने जो ख्वाब में देखा है ना वो बिल्कुल सही है,
हमें तो लगता है देर नहीं करनी चाहिए, बस जल्दी से जल्दी खुदाई में हाथ लगा देना चाहिए। क्यों कविता, तुम्हारा क्या ख्याल है? ए मेकअप, ए कविता, ए हीरोइन। ओह सॉरी गर्ल्स, दरअसल मैं अपनी सेल्फी में ना बहुत बिजी हो गई थी। माय गॉड क्या चेहरा है, यू नो बॉलीवुड में एक ही तो चेहरा है इतना सुंदर। बाय द वे किसको मिल रहा है खजाना? अरे कविता बेन, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सरोज को जो खजाना मिलने वाला है वो खोदने के लिए उसको परमिशन देनी चाहिए कि नहीं। कल को लड़की कहेगी कि गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे खजाना गड़ा है, तो जिग्नेश भाई क्या आप गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे खुदाई शुरू करवा देंगे? वो आप क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हैं? बोलो मुंह खोलो। दादा ये सब एकदम चलबे ना। जिग्नेश भाई ये बात बताओ, सेक्रेटरी यदि सोसाइटी में हम लोग को अनुमति दे देगा खुदाई करने का, और खुदाई करने के बाद वो खजाना नहीं मिला तब? पांडे जी जिग्नेश भाई का बात में कुछ दम है, आपका बात में भी दम है। अरे यार तुम दोनों तरफ ढोलक मत बजाओ भाई, अपनी राय बताओ। राय? हाँ पांडे जी हम राय लेके तो इधर नहीं आया, तो घर में काम आता है। ए दारू वाला, हाँ हाँ क्या बोलता है तुम? क्या बोलता है किसके बारे में क्या बोलता है? ये देखो पूरी रामायण खत्म हो गई तब ये पूछता है ये रावण कौन है, रावण कौन है? रामायण से याद आया मेरे को, मेरा शीरीन था ना वो पारसी था, लेकिन रामायण महाभारत गीता और बाइबल सब पढ़ती थी। बोलो कमाल की थी। छोड़ो छोड़ो भाई ये बातें छोड़ो। हाँ तो भाइयों मैं सोसाइटी के कंपाउंड की खुदाई के पक्ष में नहीं हूँ। अब आप सब लोग अपनी अपनी राय भी दीजिए। अब देखिए राजलक्ष्मी जी, अब कविता जी न्यूट्रल एम्पायर और जागृति बहन और हम तो खुदाई के पक्ष में हैं, इसलिए राजलक्ष्मी जी और डॉली जी आप लोग भी मान जाइए ना। इस मॉडर्न जमाने में ऐसी दकियान उसी बातों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। और ये मुझे तो रोज सपना आता है कि मैं जंगल में शेर का शिकार कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी वो जंग लगी हुई बंदूक लेके जंगल में चला जाऊं? अभी सुनिए भाई मैं क्या बोलता हूँ, एक चांस लेने में क्या तकलीफ है? वो बोलते हैं ना लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, धंधा नहीं बात। अरे भाई ये बात मैं तुम्हें जिग्नेश भाई के एकदम साथ में हूँ। अरे अगर खजाना मिल गया तो पूरी सोसाइटी की चादी चादी है कटपीस काट के। इतने फिजूल बातें, अरे बाहर वाले देखे ये तो क्या सोचेंगे, अगर वो सुनेंगे ना वो यही सोचेंगे कि ये हैप्पी होम्स वाले वैसे तो बड़े बड़े बातें करते हैं, लोगों को समझाने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लाइंड बिलीफ मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे। डॉली तुम मेरे साथ आ रही हो कि इन लोगों के साथ हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ना मैं इन लोगों के साथ हूँ ना मैं भीषण को भी किसी के साथ होने दूँ। हाँ तो भाई ये फैसला हो गया कि हम छह लोगों में से दो लोग कंपाउंड की खुदाई के पक्ष में हैं, दो लोग खुदाई के पक्ष में नहीं हैं, और दो लोग न्यूट्रल हैं। तो हम ये बात मैडम चेयरमैन और मैडम सेक्रेटरी तक पहुंचा देंगे। मैडम सरोज तुम तो ऐसा डरता है कि मैं तुम्हें गनागोर जंगल में शेर के पास तुम्हें लेके जा रहे हैं, डॉक्टर के पास ही तो ले जा रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाने में? अरे राजलक्ष्मी जी आप समझ का है ना ही रही है, हमको कौनो डॉक्टर के पास ना ही जाना है, अरे हमको कौनो बीमारी ना ही है, देखिए हम एकदम स्वस्थ हैं, हमको डॉक्टर का कौनो जरूरत ना ही है। अरे अरे कन्ना हम तुम्हें डॉक्टर के पास कहाँ ले जा रही है बेटा, हम तो ना सिर्फ दारुण्णा के पास जा रहे हैं, वो ना डॉक्टर के हैसियत से नहीं एक रिश्तेदार एक फ्रेंड के हैसियत से कुछ सवाल जवाब ऐसे ऐसे ही करेंगे, बस उनका राय लेनी है। देखिए राजलक्ष्मी जी ई बात के लेना आप ना हमको माफ कर दीजिए,
सरोज को किसी खजाने की या बाबा की जरूरत नहीं है, इसे जरूरत है एक डॉक्टर की। देखिए राजलक्ष्मी जी, ये बात के लिए ना आप ना हमको माफ कर दीजिए। हम जो है ना हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम दारू अन्ना के पास गए ना तो वो हमको दिमाग का जो मरीज है ना वो समझकर हमको नींद का गोली देना शुरू कर देंगे। और जो हम है ना, जब तक हमारा खजाना हमको मिल नहीं जाता, हम चैन का नींद नहीं सो सकते हैं। हम क्या बोलता है सरोज, तुम अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी के बारे में तो जरा सोचो। तुम अभी अभी मिले हो तो अपने बारे में तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा अगर कुछ हो गया तो वो बेचारी क्या करेगा बोलो। अरे वो छोटा बच्चे के लिए कम से कम एक बार तुम्हें हमारे साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो ना। अरे आप हमारी बात समझ काहे नहीं रही हैं? हमको कौनो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सुन लीजिए। अब ना अब हमको शेर सिंह जी और पांडे जी के पास जाना पड़ेगा। और हम ना जा रहे हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, जा रहे हैं हम। अब क्या करें इसका? जो करेंगे वही लोग करेंगे। ठहरिए, वो कहा है ना कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए हमको ना पागल नहीं है जो आप लोगों को ऐसे ही किसी मुसीबत में फंसा देंगे। सोचने का बात है, आप लोग सोचिए कि हमको जो खजाना है हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में ही काहे नजर आता है। हम तो आपसे कहते हैं कि ये हमारे बंसी वाले का कौनो शुभ संकेत है जो हमारे लिए, हम सब के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। अरे सुनो 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 भाई लोग, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मेरी पहचान में दूरंदेशी बाबा है। हाँ वो जमीन के अंदर तो क्या, सात पाताल के नीचे भी क्या छुपा है ना, वो देख सकता है। मैं क्या बोलता हूँ बाबा, वो बाबा को हम लोग इधर बुलाते हैं, उसको वो कंपाउंड वाला जमीन दिखाते हैं। अगर खजाना है तो खुदाई करेंगे, अगर नहीं है तो बोल देंगे बाबा राम राम। अरे भाई मेरे पास भी एक बाबा है, बाबा दौलतानी। अरे वो तो कट्टी काटने से पहले ही बता देगा यहाँ खजाना है कि नहीं। अरे आप लोग कैसी दक्षिणनुसी बातें कर रहे हैं यार। सरोज को किसी खजाने की या बाबा की जरूरत नहीं है, इसे जरूरत है एक डॉक्टर की। मैं क्या बोलता हूँ, पहले वो दूरंदेशी बाबा को बुला देते हैं, उसको कंपाउंड का जमीन दिखा देते हैं। अगर खजाना नहीं है तो बाद में डॉक्टर को बुलाएंगे। ये तो बात सही है यार, आजकल डॉक्टर भी बाबाओं के पास जाने लगते हैं कट्टी काट के। चलिए भाई शेर सिंह जी, मुझे तो यहाँ घुटन हो रही है। पढ़े लिखे लोग जाहिलों की दौड़ में लगे हुए हैं यहाँ। चलिए बेन, आप चिंता मत करो, हम है ना टोडरमल जी, अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तदारी बात है। देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप कुछ कीजिए, हमको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, सरोज को किसी डॉक्टर को दिखाने की सख्त जरूरत है। मैं हमेशा ही सही कहता हूँ शेर सिंह जी, ये डॉक्टर है ना अपने घर में। कहाँ है, कौन डॉक्टर? अरे यार मैं खो गया, मैं तो बिल्कुल भूल गया, डॉक्टर तो मैं ही हूँ। डॉक्टर है ना तो एक काम कर, जाके क्लिनिक में बैठ, हम सरोज को लेके आते हैं। लेके आओ लेके आओ। अरे कौन कहता है सरोज बीमार है? देखा हम भी तो कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल हमारा शिरीन के माफिक। ये पांडे जी मालूम है, मेरी शिरीन को है ना एक ही खजाने का शौक था, और वो था चोर बाजार से एंटीक खरीदना। वो हमेशा मेरे को बोलती थी ए चलना खजाना खरीदने जाते हैं। बोलो इसका मतलब उनको भी खजाने का सपना आता था? सपना नहीं आता था, एक्चुअल में लेके जाती थी। डॉक्टर साहब हम यहाँ सरोज को दिखाने लाए हैं, शरीर को नहीं। हाँ हाँ सरोज, कौन सरोज? अरे यार तू इतिहास के पन्नों से बाहर निकल और सामने जरा ध्यान से देख, ये वाली सरोज। अरे ये सरोज जानता है सरोज को, कौन बोलता है बीमार है? अरे
बुरा है, बीमार है, बीमार है, खतरनाक बीमारी है उसको। उसका भेजा खसक गया है, उसको डिल्यूजन नाम का एक मेंटल बीमारी हो गया है। वो डिल्यूजन में मालूम क्या होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है और जो होता है वो नहीं दिखता है। हमने आपको कितनी बार कहा कि हमको कोनो दिमाग विमाग का बीमारी नहीं है, हमारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो कहते हैं कि आप लोग जो है ना, आप पागल हो गए हैं। खुद लक्ष्मी मैया हैप्पी होम्स का दरवाजे पर आकर आप सब लोगों को तिलक लगाना चाहती हैं और आप उनको धुतकार रहे हैं। अरे आप लोग हमारी बात समझ का है नहीं रहे हैं। निकला एक मिनट, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक टेम्पररी हम तुमको एक ये दवा, हाँ, सफेद गोली के अंदर दो ड्रॉप डाल के देगा, एकदम शांत हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट क्लास नींद भी आएगा तुमको। हाँ काम करते हैं, ये कुंडी लगा देते हैं ताकि सरोज नींद में बाहर आके घूम ना सके। अगर हमें किसी ने कुछ कहा ना तो हम खुद से अपना सर फोड़ लेंगे। पांडे निकरा, बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत खतरनाक बीमारी है इसको। अरे ये तो चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, कुछ भी हो सकता है। अरे नींद में इसको सपना आएगा, ये चलना शुरू कर देगी, चल के सोसाइटी के बाहर जाएगी, बाहर जाके सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है। शेर सिंह, एक काम करते हैं, ये कुंडी लगा देते हैं ताकि सरोज नींद में बाहर आके घूम ना सके। करेक्ट, वेरी करेक्ट। अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा हैप्पी होम जाग जाएगा बाबू। लग गई है कड़ी, दूर हुई मुश्किलों की घड़ी। यार ये शायरी करना छोड़ो और चलो, हमें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। चलो चलो। क्या हुआ? ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी ने कड़ी खोल दी फिर तो एक काम करते हैं, कड़ी के ऊपर ताला लगा देते हैं। वेरी करेक्ट। तुम एक काम करो, तुम जाओ और एक ताला ले आओ, तब तक मैं कड़ी की चौकीदारी करता हूँ। जाओ शेर सिंह, जाओ। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे वहाँ सीढ़ियों पर वो मोटी सी लाल लाल आंखों वाली काली बिल्ली बैठी होगी फिर। अरे शेर सिंह, तुम शेर सिंह हो। वो भीगी बिल्ली है, कुछ नहीं करेगी तुमको, जाओ फौरन। तो भाई साहब, ये आपको पता है कि मैं शेर सिंह हूँ, मुझे पता है कि मैं शेर हूँ, लेकिन उस बिल्ली को तो पता नहीं है ना। वो तो मुझ पर ना इंसान समझ के ही झपट्टा मारेगी और कहीं मेरी आंखें निकाल ली फिर। बाबू मैं साथ चलता हूँ, चलो चल चल। खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों? खजाना जमीन के बहुत नीचे है। खजाना नहीं निकलेगा तो तू रीडेवलपमेंट नहीं करेगा। करूंगा, उतनी ही जमीन की जितने की खुदाई होगी। हम सोचे कि आप हर रोज यही टाइम पर नारियल पानी पीते हैं, तो आज हम आपको ही नारियल पानी पिलाने आए हैं। आप समझ रही हैं कि ये हमें नारियल पानी क्यों पिला रही है? हा, हा।